जब से अंजो आए अंजो डिस्ट्रिक्ट मिस मी ट्राइब्स का यही गाना सुनने मिल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं हूँ तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट पे। आज ही हम पासीघाट से तेजू आया है क्योंकि असम हमें फिर तेजू टू गोयलियांग जाना है जो कि अंजो डिस्ट्रिक्ट पे पड़ रहा है। मैंने पासीघाट टू तेजू का जर्नी वीडियो बनाया नहीं क्योंकि मेरा मेट्रो का ट्रिप के बाद मैं बहुत थक चुका था, उसी कारण मैंने वीडियो बनाया नहीं। जो भी हो, अभी हम तेजू का बेस्ट होम स्टे पर है। इस होम स्टे का नाम है लकीम होम स्टे। अगर आप नामसाई होकर तेजू, रोइंग, मयोदिया या अनिनी जाना चाहते हो तो आप इस होम स्टे पर रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा होम स्टे है, सबसे बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरे से सजाया गया है और यहाँ का ओनर जो है गोरी फैमिली है। होम स्टे का फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आप गोयलियांग की तरफ चलते हैं। तो ये देखो जीजोंग जो है अभी पत्थर उतारेगा क्योंकि रास्ता जो है ब्लॉक हो गया है। ये देखो दिस इज बाली। तो रास्ता बहुत खराब है यहाँ का, अभी हम लोग रास्ता क्लियर कर रहे हैं। चटा लामा दुता बरा ला उता बोल रहे, हम भी उतार देगा। ओ माय गॉड, वो है सर का गाड़ी। काफी अच्छा व्यू है, व्यू। और ये जीजों ब्लॉगर देखो क्या हो गया, आपको भगा रहे हैं। ये है तुली। तुली भी पासीघाट से ही है और बहुत अच्छा वीडियो क्रिएटर है। अगर आपने इसका वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रुको यार, इतना भी क्या जल्दी है, पहले मेरा वीडियो देख लेना और बाद में उसका मिलाना। और क्या बोलूं, जगह तो एकदम मस्त है पर रास्ता काफी खराब है। अशोक मना जाता है अभी शुरू हो रहा है। ये पहाड़, ये नदी, नदी का ये होते हैं। अच्छा, ये जो है पहाड़, पहाड़ को मानते हैं, पहाड़ बनाया मैंने। इसके अंदर कुछ डला है, डला नदी डला। अच्छा, मिट्टी। अच्छा, इसका ये जो वो हो सकता है, ये मतलब दाव है। अच्छा, एक करके दिखा दीजिए ना, ये दाव है। मतलब ये तरवाल, तरवाल मान जाता है ये इसको। श्यामरे मैंने फाल। अच्छा, इसको फाल बोलते हैं, इसको श्यामरे बोलते हैं। अच्छा, श्यामरे मान जाते हैं इसको। जैसे कि दाव, दाव जैसे मच्छी से बनाते हैं। मच्छी। अच्छा, मतलब ये चरा के, मतलब इसका बदले में मच्छी दो होती है, ये इसका बदले में नदी का मच्छी हम लोग को चाहिए बोलते हैं। ये जो है हम लोग पहाड़ का ना हरण सरन जो भी हम लोग को, इसका बदले में हम लोग को दो। अच्छा, भगवान आप हमको गिफ्ट दीजिए। अच्छा, मतलब इसे तरह का ये बनाया, इसका अगर कुछ मितनी सब सेक्रीफाइस करते हैं। करता है हम लोग। यहाँ में नहीं चलाते, मतलब कहीं कहीं अलग किस्म किस्म का मैंने पूजा हो जाता है। ये जो है मिथुन चतुर्थी चरा रहे, तीन मुर्गी ही चराते हैं। चरा दिया उसे, हमने बाद में चराएगा। अच्छा अच्छा, शाम को चराएगा। अरुणाचल के बाकी ट्रेब्स की तरह मिसमी ट्रेब भी नेचर पे बिलीव करते हैं। पूजा के समय यहाँ भी एनिमल की सेक्रीफाइस किया करते हैं। गांव वालों का मानना है कि मकई से बनाई गई वाइन को भगवान को दिया जाता है ताकि उन्हें खाने के लिए नेचर से कुछ मिले और साथ ही साथ नेचर डिजास्टर से बच सके। मिसमी ट्रेब के रिचुअल को देखने के बाद हम गोयलियांग का सुंदरता को नजदीक से देखने लगा। चारों तरफ पहाड़, तंदी तंदी हवा और नदी का आवाज, ऐसा लग रहा था कि मानो वो हमें कुछ पुरानी बातें सुना रहा हो।
फिर हमने एक प्राइमरी स्कूल देखा जिसे बहुत ही सुंदरता से पेंटेड किया गया है। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना बॉर्डर के पास के गांव में कभी ऐसा होगा। फिर हमारा मुलाकात लकीम सोबेलाई से हुआ जिन्होंने हमें गोइलियांग के स्कूल और गोइलियांग के बारे बहुत कुछ बताया। नमस्कार, मेरा नाम लकीम सोबेलाई, डिस्कवर फायर ईस्ट का प्रोपरेटर हूँ मैं। आज हम बताना चाहते हैं हमारा रेनबो विलेज प्रोजेक्ट के ऊपर में। हम लोग रेनबो विलेज के अंदर में स्कूल, विलेज, इन सभी चीज़ों को हम ब्यूटिफाई करते हैं। रेनबो विलेज हम लोग किस लिए कर रहा है उसके ऊपर में हम थोड़ा बताना चाहते हैं, क्योंकि सुंदरता सभी को पसंद है। क्योंकि स्कूल में हम लोग ने क्यों ये टारगेट रखा है, क्योंकि स्कूल में जब हम लोग एक अच्छा सा आर्ट करते हैं तो वहाँ के बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं उन लोग भी स्कूल में आने के लिए बहुत इंटरेस्ट होता है, और अच्छा सा उन लोग को एक नॉलेज मिल जाता है कि उसमें हम लोग अच्छा अच्छा थीम्स को हम लोग ले करके वहाँ में लिख देते हैं और अच्छा अच्छा चीज़ को हम लोग वहाँ में आर्ट करते हैं, ताकि हमारा ये स्कूल का बच्चा लोग जो है एवरीडे स्कूल आ सके। जो आने का मन नहीं है वो लोग भी वो आर्ट को देख करके, सुंदरता को देख करके, अच्छा अच्छा चीज़ वहाँ लिखा वाला देख करके वो लोग भी बहुत इंटरेस्ट होता है। ऐसे करके हमारा आज अंजाव डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने 6 स्कूल को हम लोगों ने आर्ट किया है। हमारा डिस्कवर फॉर ईस्ट का मेन मोटिव यही है कि हमारा इस जगह को स्वस्थ करना, इस जगह को टूरिज्म में एक अच्छा से हम लोग एक्सप्लोर करना, और यहाँ में हम लोग अपना कल्चर, जो हम ये मिश्मी कोट पहनते हैं, जो हमारे मिश्मी भाषा बोलते हैं, और हमारा जो हमारा मिश्मी रहने का स्टाइल, जो हमारा मिश्मी चांगघर है, जो भी हम मिश्मी जो यूज़ करते हैं उस उन चीज़ों को नहीं खोने के लिए, उन सभी को हम प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने ये तैयार किया है। हमारा गोइलियांग सर्कल हायोलियांग हेडक्वार्टर से केवल 15 किलोमीटर है। आज से 30 साल पहले वो रोड बना था, परंतु आज तक भी वो रोड कम्युनिकेशन सही नहीं है। और तीसरा बात जो है, हमारा गोइलियांग सर्कल का अंदर में एक ग्लोटोंग ग्लाटबर्ग एक विलेज है, जहाँ 62 की लड़ाई में चाइना का फौजी आ करके एक महीना रह करके गया उस ग्लोटोंग ग्लाट में, लेकिन वहाँ में आज भी बॉर्डर खाली पड़ा हुआ है। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि आने वाला दिन में इसी मन या नेक्स्ट मन से ही शुरू करें कि ग्लोटोंग ग्लाट में फौजी को तैनात करें। हम चाहते हैं गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे हमारे गोइलियांग सर्कल को, यही हम गवर्नमेंट आपसे हम अपील करते हैं, और हम ये पूरा दिल से हम विश्वास करते हैं कि गवर्नमेंट ज़रूर एक्शन लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. I'm talking to a blonde. और ये है जंगली मुर्गी का पूंछ। अच्छा, और ये सब, ये लोग शेर का दांत है, सब शेर का दांत है, और भालू का दांत है, और जंगली सुअर का दांत है। अच्छा, ये सब ना जी, नाखून भी है साथ में। हाँ, कब ओके गाइस, ये सब शेर का दांत है। शेर भालू और ये क्या चीज का, इसकी ये वाला कार का है। कार का है। कार मतलब, कार मतलब जंगली का छोटा शेर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है ये उडू का पिकअप का। हां, पिकअप का, सॉरी पिकअप का, ये पंख पूछ ना पंख है। ओके ओके, ये तो शेर का कुछ, ये क्या है? हिरन का, वो अंदर पेट का ये रहता है। अच्छा, पेट के अंदर डांस क्या था, मतलब ये प्रीस्ट का है जो पुजारी लोग होते हैं। अच्छा अच्छा, पुजारी लोग का डांस को वो रिप्रेजेंट करके दिखाया बंदा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके ब्रदर, चिकन बिरयानी। ओके गाइस, तो अभी हम हमारे भारत के जवान खीर बनाया है, तो खीर ट्राई करेंगे, जो कि एक गिलास का 20 रुपया ना। थैंक यू।
YouTube channel? Yes. Huh? Yes. Thank you, thank you, thank you. Yeah, maybe Jagana. क्या हाँ 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 हम सोचे मेरे लिए निकल दे ट्राई करो कैसा लगा अभी ठीक है अच्छा है काया नहीं तुम्हें अभी तक अभी बताओ कैसा लगा मजा एकदम प्लेन है एकदम प्लेन लेट्स ट्राई बहुत मीठा यार तमिल तोलम तोलम ये गाना फेवरेट हो गया तमिल तोलम 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 जब से अंजो आए अंजो डिस्ट्रिक्ट मिस मी ट्रैप्स का यही गाना सुनने मिल रहा है तमिल तोलम तोलम तमिल तोलम 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 गोयलियांग में हमने 3 दिन बिताया है और ये 3 दिन के साथ चला गया कुछ पता नहीं यार लेकिन इन 3 दिनों में मुझे बहुत खास लोग मिले हैं जैसे कि संजीव बाली अपना पीतू भैया लेकिन सुसर एंड टूनी गोयलियांग के लोगों ने जो हमें प्यार दिया है ये मैं कभी नहीं भूलूंगा और यार सच बात बताऊं तो वापस जाने मन नहीं कर रहे रो रहे देगा रे टाटा अच्छे से बैठो रे गॉड ब्लेस यू दीदी जाएगा दीदी एंड बाय रो रहे सारा सारा स्क्राइन डोंट क्राई टाटा करो गुड टाटा कज आई परे सर मैं बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर आपका परिवार से शांति से सोएगा सब आप सब भी होगा दीदी बाय 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 तू हमें भेज जाओ हम यहाँ भेज जाएगा ना भेज जाओ भेज जाएगा भेज जाओ गोयलियांग से मैं अपने साथ बहुत सारा प्यार और यादें ले जा रहा हूँ इस कहानी को मैं अपने वीडियो में कैद कर चुका हूँ ताकि जब याद आए तब देख लेंगे तब तक के लिए बस यही कहना चाहूँगा ये दुनिया है गोल और हम फिर मिलेंगे किसी कोने में और हम फिर मिलेंगे किसी कोने में।